हम सभी के जीवन का आधार है पेड़। हम सभी के जीवन का आधार है पेड़। पृथ्वी का श्रृंगार है पेड़। हम सभी को सारी सुविधाएं, सारी सेवाएं देता है पेड़। नमस्कार, मेरा नाम पल्लवी अरुण कटारे, मैं कक्षा 8वीं की छात्रा। आज आप सभी के सामने मैं पेड़ बोल रहा हूँ। इस विषय पर मेरे विचार व्यक्त करने वाली हूँ। मैं आप सभी के दरवाजे के सामने ही खड़ा हूँ। आप सब मेरे सामने से निकल जाते हैं, लेकिन मेरी ओर ध्यान भी नहीं देते। हाँ, मैं पेड़ बोल रहा हूँ। आज मैं आप सभी को मेरी कहानी सुनाना चाहता हूँ। हाँ, मैं पेड़ बोल रहा हूँ। मेरा जन्म इसी मिट्टी में हुआ है। बरसों से पहले मुझे किसी ने बोया था। शुरुआत में मैं एक पौधा था, एकदम नाजुक और कोमल। शुरुआत में जब मैं पौधा था तब मुझे बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ती थी। सब जानवर मुझे परेशान करते थे, मुझे खाने की कोशिश करते थे, मेरे पत्ते तोड़ते थे, मेरी टहनियाँ तोड़ते थे। लेकिन जैसे तैसे मैं मेरी जान बचाता था। कोई मेरी टहनियाँ, कोई मेरे पत्ते, बहुत बहुत वो मुझे परेशान करते थे। लेकिन अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। छोटे पौधे से अब मैं एक बड़ा वृक्ष बन गया हूँ। समय के साथ वातावरण में ढल चुका हूँ। अब मुझे सारे मौसमों का अंदाज़ा आ चुका है। कड़ी से कड़ी धूप हो या आधी तूफान आ जाए, मैं बिल्कुल भी नहीं डगमगाता। अब मैं मनुष्य को अपनी सेवाएं प्रदान करने लगा हूँ। मैं उन्हें शीतल छाया देता हूँ, फल देता हूँ, फूल देता हूँ, औषधियाँ देता हूँ, ऑक्सीजन और तरह तरह की चीज़ें मैं मनुष्य को देता हूँ। मेरे बिना मनुष्य का जीवन असंभव है। मेरे इतने फायदे होने के बावजूद भी आज मनुष्य मेरे जान के पीछे पड़ा हुआ है। कभी कभी तो मुझे डर लगता है कि क्या कल मुझे कुल्हाड़ी चलाकर काटा जाएगा, क्या कल मुझे नष्ट किया जाएगा, क्या कल मैं इस दुनिया में होगा या नहीं। ये सवाल मैं मनुष्य से पूछना चाहूँगा। हृदय हद से तब गुजरने लगता है जब मेरी आंखों के सामने बड़ी बड़ी शहरों में बड़ी बड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के लिए हजारों पेड़ों को मानव काटता है। तब हृदय हद से गुजरने लगता है। अब तो हमारा निसर्ग भी हमसे पूछने लगा है कि क्या बात है मानव, आजकल हमें लगाने से ज़्यादा तोड़ा क्यों जा रहा है, क्यों तोड़ा जा रहा है। आज मैं तुम्हें मेरा एक अनुभव बांटना चाहूँगी। एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक तोता और उसका परिवार खुशी से रहते थे। लेकिन एक दिन वहाँ एक लकड़हारा आया और उस पेड़ को काटने लगा। तोता और उसका परिवार बेघर हो गया। वो भी क्या करेंगे भले, वो दूसरा पेड़ ढूंढने के लिए चल बसे। उन्हें एक बड़ा पेड़ दिखाई गया। वो आए और बोले, पेड़ भैया, मैं और मेरे बच्चे बेघर हुए हैं, क्या हम तुम्हारे ढाली पर घोंसला बना सकते हैं। पेड़ ने जवाब दिया, नहीं नहीं, मेरी ढाली पर घोंसला मत बनाओ, आगे जाओ, वहाँ तुम्हारा काम बन सकता है। मैं भी आश्चर्यचकित हुआ, इस पेड़ ने नहीं ऐसा जवाब क्यों दिया होगा। फिर वही तोता मेरे पास आया और बोला, पेड़ भैया, मैं और मेरे बच्चे बेघर हुए हैं, क्या हम तुम्हारे ढाली पर घोंसला बना सकते हैं। मैंने खुशी से जवाब दिया, हाँ। वो तोता मेरी ढाली पर घोंसला बना के रहने लगा। वो रोज़ वो बड़े पेड़ के पास जाता था, फल लाता था, खाता था, वही उसका दिनक्रम था। लेकिन एक दिन बहुत बड़ा तूफान आ गया। फिर क्या, जो बड़ा पेड़ था वो नीचे गिर गया। तोता उसके पास गया, पेड़ बोला, आ गए भाई तू, आ गए। तोता हाँ बोला। पेड़ बोला, मुझे खेद है कि अब मैं तुम्हें मीठे फल नहीं खिला पाऊँ, मैं तुम्हें मेरी सेवाएं प्रदान नहीं कर पाऊँगा, मुझे खेद है। आज मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि उस दिन मैंने तुम्हें मेरे पेड़ पर घोंसला बनाने के लिए क्यों इनकार दिया। दरअसल मुझे पता था कि मेरी जड़ें बहुत कमज़ोर हो गई हैं। अब जो तूफान आएगा उसका झटका मैं नहीं सह पाऊँगा, ये मुझे पता था। इसलिए मैंने तुम्हें मेरे पेड़ पर, मतलब ही मेरी ढाली पर घोंसला बनाने के लिए इनकार दिया। अब आप ही बताएं कि पेड़ हमारे लिए इतना विचार करते हैं तो हम पेड़ों के लिए इतना भी विचार नहीं करते, क्यों भला, ये आपसे मैं पूछना चाहूँगा। आप सभी को पेड़ों के लिए कुछ करना है तो इतना ही करो। पेड़ों की यही पुकार पेड़ लगाओ बारंबार, आओ मिलकर कसम खाए,
आओ मिलकर कसम खाए अपनी धरती हरित बनाए, अपनी धरती हरित बनाए। धरती की पेड़ है शान, पेड़ है धरती की शान, पेड़ है धरती की शान। तभी तो होगी ना जीवन में मुस्कान, तभी तो होगी ना जीवन में मुस्कान। धन्यवाद।